ये आज का जो वाक़िया हुआ यानी मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक साहब का जो इंतकाल हुआ है, ये हमारी पूरी मिल्लत के लिए एक बड़ा खेला है। क्योंकि अगर कोई ये पूछता था कि ज़बान व बयान के मामले में कौन सबसे अच्छा ज़ाकिर है, तो सर फहरिस्त मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक साहब का नाम लिया जाता था। और जितनी लखनऊ की तारीख से उनको वाकफियत थी, अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि अब एक ऐसा ज़ाकिर हमारे दरमियान से चला गया जो अदादारी के सिलसिले से, लखनऊ की तारीख के सिलसिले से, यहाँ के नवाबीन की तारीख के सिलसिले से और रसूमात अज़ा के सिलसिले से जितनी मालूमात उनको हासिल थी, जितनी मालूमात उनको थी और जो वो मजालिस में बयान करते थे, अब शायद वो कोई और बयान करने वाला शायद नहीं होगा जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बहरहाल मैं तमाम कहते हैं कौम मिल्लत के अफराद से गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से पुराने हजरात को याद रखा गया है, जैसे अथर साहब को याद रखा गया, उनको भी याद रखा जाए। क्योंकि इंसान चला जाता है, अपनी यादें छोड़ के चला जाता है, हमें उसकी यादों के सहारे जीना है और हमें दुआ करना चाहिए कि परवरदिगार उनको रीक़ रहमत करे और उनके साले सवाब के लिए मजालिस वगैरह का इनेकाद करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।